नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सॉरी आप लोग को संडे को तकलीफ दे रहा हूँ। हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग सब दुनिया से बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने ही ग्रुप वाले मरीजों से बात नहीं कर रहे हैं जिसको कोई कोमॉर्बिडिटी है। इसका जरूरी नहीं कि ये सिर्फ एचआईवी और टीबी के लिए, लेकिन कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, कोई भी इन्फेक्शन है। और हम कोविड-19 के बारे में कुछ एक बेसिक चीजें, आप लोगों को सबको पता ही है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ सवाल है, वो सवाल आप इंडिविजुअली हम लोगों से पूछते भी है। ऐसा नहीं कि आप वो सवाल लेके एक साल से ऐसे ही बैठे हैं। फिर भी हमारी ये कोशिश है कि आप लोगों को जो कुछ गलत फहमियाँ हैं, किन्हीं किन्हीं को हमने वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वैक्सीन कौन सा लेना चाहिए, वैक्सीन के सेकंड डोज में, क्योंकि सरकारी नीतियां बदलती है, उनके गाइडलाइन बदलते हैं, उनके हिसाब से हमें भी कुछ बदलाव लाना पड़ता है। और उस हिसाब से हमने, समझो हमारे मरीजों को ये बोला कि आपने दूसरा इंजेक्शन 1 महीने में लेना चाहिए, बाद में आया कि 6 हफ्ते तक ले सकते, बाद में आया कि 12 से 16 हफ्ते ले सकते। तो हर बार को गाइडलाइन बदलती है। और आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि हमें तो डॉक्टर साहब ने बोला है 1 महीने से लेने को, या हमें तो डॉक्टर साहब ने बोला इंजेक्शन मत लो, क्योंकि हमारे मरीजों में बहुत सारे मरीज ऑलरेडी कोविड-19 से इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो इन्फेक्ट हुए हैं, जिनको IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है, वो लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं, उन्हें इतना बहुत ज्यादा गड़बड़ करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि फिलहाल वैक्सीन का शॉर्टेज है, आपको जाके कई बार लाइन लगाना पड़ता है, कई बार आपका नंबर आने तक वैक्सीन खत्म हो गया ऐसा बोर्ड लगता है, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। कि जिन लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उन लोगों को इंतजार कर सकते हैं, जो लोग इन्फेक्टेड नहीं है उन्होंने जल्दी से जल्दी वैक्सीन लेना चाहिए, और जो कुछ गाइडलाइन सरकारी आती है उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। कि जैसा कोविशील्ड है वो अभी 12 से 16 हफ्ते के बाद सेकंड डोज ले सकते हैं, कोवैक्सीन है वो 4 से 6 हफ्ते के अंदर ही लेना चाहिए। तो जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की आती है वो फॉलो करें। उसके सिवा हमने क्या देखा है हमारे मरीजों में, कि जो बहुत रेगुलर है अपने दवा के साथ, अपने बीमारी को कंट्रोल में रख के, तो उन लोग को बहुत लोग को कोविड हुआ ही नहीं, और जिन लोग को हुआ वो बहुत अच्छे से रह पाए। और कई लोगों को, यानी हमारे पास जो हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं उसमें से लगभग 80 से 90% लोगों को पता ही नहीं था कि उनको कोविड होके गया, तो वो जिसको हम कहते हैं असिम्प्टोमेटिक है। फिर हम जब खोद खोद के सवाल करते तो पता चलता कि किसी को थोड़ा सा बुखार आया था, किसी को कुछ हुआ था, लेकिन खुद को जानबूझ के पता है कि कोविड हुआ, ऐसे 10-15% मरीज है। बाकी लोगों को थोड़ा सा हम लोग जब प्रोब करते हैं तो पता चलता कि और 10-15% लोग है, एटलीस्ट 70% मरीज ऐसे हैं कि जिनको कोविड हुआ पता ही नहीं चला, और उनके परिवार में किसी को हुआ था, इनको ऐसा लगा कि इनको होगा। तो इस हिसाब से हमने देखा कि हमारे मरीज, अभी हमारे पास लगभग एचआईवी के लगभग 6,500 मरीज रजिस्टर्ड है, उसमें से हमारे जानकारी में सिर्फ 7 मरीजों की जान गई, तो ये 0.1% यानी बहुत कम लोगों की जान गई, और बहुत लोग अच्छे से अच्छे हो गए। हमने ये भी कोशिश की कि हमारे मरीजों को कम से कम एडमिट होने देना, कम से कम दवा पर इलाज करना, घर बैठे इलाज करना, और उसका ये फायदा हुआ कि जो अस्पताल में गए ही नहीं तो अस्पताल के इन्फेक्शन को हुए नहीं, जैसे आजकल देख रहे हैं आप म्यूकर माइकोसिस हो रहा है, कुछ दूसरे इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो हमने ये कोशिश की कि जितना हम लोग कंजर्वेटिवली मैनेज करें, घर से मैनेज करें, कम से कम दवा में मैनेज करें, कम से कम जांच में मैनेज करें, कम से कम खर्चे में मैनेज करें, हमने ये कोशिश की, और ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। हमारी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप जो भी आपको तकलीफ है, जो भी आपको बीमारी है, उसके इलाज में आप कोताही न बरतें, बहुत रेगुलर रहें, तो आपका लाइफ अच्छा चलेगा। वो आज कोरोना है, कल कोई दूसरा भी बीमारी आ सकता है, लेकिन अगर आप अपनी जीवनचर्या अच्छी रखते हैं, रेगुलर रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो योगा करने वाले योगा करते हैं, खाने पीने पे कंट्रोल है, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, इसके ऊपर कंट्रोल है या नहीं लेते हैं, तो इन लोगों की जान अच्छी चलती है, फिर कोई भी बीमारी से आप मुकाबला अच्छे से कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा, काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप लोग हमें कभी भी इंटरप्ट करके कोई सवाल कर सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले जो बेसिक चीजें हैं वो आपको बता दें। तो मैं डॉक्टर तृप्ति गिलाड़ा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बेसिक प्रेजेंटेशन आपको दे, और बाद में अगर आपके कोई टेस्ट रिलेटेड सवाल है तो प्राप्ति जवाब देगी, बीमारी के रिलेटेड सवाल है तो तृप्ति जवाब देगी, और मैं तो आपके साथ हुई हूँ। धन्यवाद। ओवर टू यू तृप्ति। गुड मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग है। हम आप बहुत सारे लोगों से मिल पाए हैं पिछले 1.5 साल में, बहुत सारे लोगों से नहीं मिल पाए हैं लॉकडाउन के वजह से। जैसे सर ने अभी बताया कि हमारा इस पूरे वेबिनार का उद्देश्य ये है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दें
और जो दूसरा हम चाहते हैं, आप खुद अपने आप में एक एडुकेटर बने, क्योंकि अब कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है व्हाट्सएप पे, इसमें सही क्या है, गलत क्या है, क्या चीज़ हमको हमारे लिए अप्लाई करना है, ये समझना ज़रूरी है। और उस सेंस में हम चाहते हैं कि आपके पास पूरी सही जानकारी हो, और आप जब आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त कोविड के बारे में बात करें या आपको फॉरवर्ड्स आए, तो आप उनको सही जानकारी दे पाए। तो हम चाहते हैं कि इस वेबिनार के एंड तक आपके जो भी सवाल है उसका हम जवाब देंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी होगा, पर आप जब जाओगे तो आप आपके पूरे डाउट्स क्लियर करके जाना। तो अगले 40-45 मिनट में हम जो देखना चाह रहे हैं वो है, हम सेकेंड वेव में तो अभी हम है ही, थर्ड वेव का हम सब सुन रहे हैं, तो हम ये थर्ड वेव से बचे तो बचे कैसे, क्या जानकारी है जो हमें बहुत अच्छे से, ये वजन इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती हड्डियों का। जो भी ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज अपने आप को म्यूट रखना ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। दूसरा जो है, अगर किसी को बुखार होता है या किसी को कोविड डायग्नोज होता है, तो हमें घर पे क्या चीजें करनी है, हमें क्या ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, हमको क्या सावधानी बरतनी है, हॉस्पिटल की जरूरत कब होगी। और जो तीसरा जो सबके मन में जो सवाल है आजकल, वो है वैक्सीन। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं हमारा फर्स्ट वेव था, ये हम सेकेंड वेव में हैं। जी हाँ, हमारा सेकेंड वेव नीचे, हम डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, पर अगर अभी भी आप आंकड़े देखोगे, अभी भी जो आंकड़े है वो हमारे फर्स्ट वेव के पीक से ज्यादा है, और ये धीरे धीरे कम हो रहा है। हमने सेकेंड वेव में देखा कि इंडिया का हर गांव, हर स्टेट, हर सिटी, हर सब, हर फैमिली, यहाँ कोई ना कोई अफेक्ट हो चुका है, और ये स्लोली ट्रेंड ऑब्वियसली नीचे जाएगा। और हमको देखना है कि हम थर्ड वेव से कैसे बचे। मुझे सिर्फ एक चीज बतानी थी कि कोविड एक वायरस है, और वायरस में लगातार म्यूटेशंस होते ही रहते हैं। आपने वेरिएंट सुना होगा, आपने म्यूटेंट्स ये वर्ड सुना होगा, और ये वेरिएंट्स या म्यूटेशंस लगातार होते रहते हैं। मोस्ट म्यूटेशंस जो होते हैं उससे कुछ वायरस को असर नहीं होता या बीमारी में कोई असर नहीं होता। कभी कभी ऐसा म्यूटेशन आ जाता है जो पूरा सिनेरियो बदल देता है। जो हमने फिलहाल वाला जो हम म्यूटेशन देख रहे हैं हमारे यहाँ, जिसे हम डबल म्यूटेंट कहते हैं, उस वजह से ऑब्वियसली हमारी थोड़ी सावधानी कम हो गई थी, और उस बैकग्राउंड में नया म्यूटेशन आया और उसका कारण था सेकेंड वेव। पर हमें ये समझना है कि ऐसे भी बाद म्यूटेशन के बाद भी म्यूटेशंस चल सकते हैं। कौन सा म्यूटेशन कब आएगा, क्या बदलाव लेकर आएगा, वो किसी को भी बताना असंभव है। सिर्फ हमें ये समझना है कि म्यूटेशन कोई भी हो, उसके जो ट्रांसमिशन रिस्क है, जो उसके प्रिवेंटिव मोडालिटीज है, वो सब सेम है। और हमने पिछले साल मई तक सुना था हैंड हाइजीन, कॉफ एटिकेट्स, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग। एक उसके जो 3-4 महीने बाद जो बहुत साफ हुई, और वो एक चीज थी कि कोविड एयरबॉर्न है। आपने सुना होगा कोविड एयरबॉर्न है। एयरबॉर्न का मतलब क्या होता है? तो ये एयरबॉर्न है, समझा कैसे? ये ऐसे बहुत सारे किस्से हुए, ये मैं आपको सिर्फ एक किस्सा दिखाना चाह रही हूँ कि चाइना के एक रेस्टोरेंट में ये एक बंदा बैठा था जिसको कोविड था। अगले 15 दिन पर जब उन्होंने देखना चालू किया तो पता चला कि उस रेस्टोरेंट में बैठे बहुत सारे लोगों को कोविड हो गया था। अब आप देखोगे ये जो इंसान यहाँ बैठा है वो तो यहाँ से पूरे 15 फीट दूर बैठा है, और फिर भी इसको कोविड हुआ। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो की थी, फिर कोविड हुआ क्यों? किस्सों से धीरे धीरे पता चला कि कोविड एयरबॉर्न है। एयरबॉर्न का मतलब क्या है? पहले हम सोचते थे कि कोविड जब हम हैं या खांसी करते हैं, जो अटेंडेंट अपने आप को म्यूट करते, जो खांसी या छींक करते हैं उनके नाक से या मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। ये ड्रॉपलेट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है जो थोड़े बड़े होते हैं और उनके वेट के कारण वो 2 या 3 फीट पर ही नीचे गिर जाते हैं, या अगर 2-3 फीट पे कोई इंसान खड़ा है तो उसको इन्फेक्शन का रिस्क होता है। पर कुछ ऐसे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक जा सकते हैं, 6 फीट, कभी कभी 20 फीट तक भी जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, वो काफ़ी घंटों तक हवा में रह सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई इस कमरे में 15 मिनट बाद आता है, जिसको पता भी नहीं कि इस इंसान को खांसी या छींक आई थी, और अगर इस इंसान को कोविड है,
तो भी ये ड्रॉपलेट्स के कारण इन्फेक्शन हो सकता है. तो ये जब इन्फॉर्मेशन आया तो हमें समझा कि ये जो ड्रॉपलेट्स है ये सिर्फ खांसी और छींक से नहीं, ये साधारण जो एक्टिविटीज होते हैं, बात करना, खाना खाना, गाना गाना, ये सब एक्टिविटीज में ड्रॉपलेट्स मुंह या नाक से निकलते हैं. जी हाँ, थोड़े कम संख्या में निकलते हैं पर निकलते जरूर है. तो इस चीज से जो एक दूसरी एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट जो ऐड हुई हमारे प्रिवेंशन के लिए, वो है गुड वेंटिलेशन. ये इंश्योर करना कि हम जिस कमरे में बैठे हैं किसी और के साथ, उस कमरे का वेंटिलेशन ठीक हो. जहाँ कमरे बंद होंगे, जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ होंगे, जहाँ सिंगिंग, शाउटिंग, एक्सरसाइजिंग जैसे जिम वगैरह में ऐसे एक्टिविटीज होगी मास्क के बिना, और जहाँ वेंटिलेशन कम होगा वहाँ ट्रांसमिशन का रिस्क बढ़ेगा. तो ये एक चीज हमें बहुत ध्यान में रखनी है कि हम ऑफिस में हैं या अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट या दोस्त या रिश्तेदार आए हैं तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं मास्किंग के अलावा जिससे ट्रांसमिशन का रिस्क कम हो. कुछ छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत हेल्प करती है. वो है खिड़कियाँ खुली रखें. जब खिड़कियाँ खुली रहती है तो जो फ्रेश हवा आती है उससे जो हवा में जो वायरस है वो डाइल्यूट होना चालू हो जाता है, जो रिस्क होता है वो कम होना चालू हो जाता है. तो वेंटिलेशन के लिए विंडोज ओपन रखें. अगर एसी ऑन है तो भी कोई ना कोई एक विंडो खुली रखें. एग्जॉस्ट फैन है या किचन में एग्जॉस्ट फैन है या रेस्टरूम में एग्जॉस्ट फैन ऑन रखें. आप हो सकता है उतने लोगों को आउटडोर में, जैसे किसी का टेरेस है, गार्डन हो, आउटडोर उतना ज्यादा उचित. ये सब चीजें घर में ठीक होती है. ऑफिस में जो चीजें फॉलो करें उसमें ओवरक्राउडिंग कम करें, और काफी सारे एयर फिल्टर्स होते हैं जिनका फायदा पाया गया है. अब देखोगे कमरा है जहाँ वेंटिलेशन कम है और जहाँ ये वायरस ड्रॉपलेट्स पूरे हो गए हैं, और जैसे ही एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दिए जाते हैं, और ये जो इंसान है जिसको कोविड नहीं है और इसको कोविड है, इस इंसान को कोविड होने का रिस्क कम हो जाता है. दूसरी चीज जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है, ये हम चीज आई थिंक पिछले 1.5 साल से सुन चुके हैं, समझ भी चुके हैं, फिर भी फॉलो नहीं करते, और वो है मास्किंग. अगर आपको ये पूरे टॉक में अगर सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो आप सिर्फ ये एक स्लाइड याद रखिए. तो एग्जाम्पल के तौर पे ये एक इंसान है जिसको कोविड है. इस इंसान को कोविड नहीं है, ठीक है. ये बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, इन्होंने सोचा चलो 15 मिनट चाय पी लेते हैं या कुछ कर लेते हैं. ये बात करने में ही कुछ ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, जिसका मतलब 15 मिनट में इस इंसान को कोविड का संक्रमण होने की पूरी पूरी संभावना है. दूसरा सिनेरियो जहां इस इंसान को लगता है मुझे मास्क पहनना चाहिए, पर वो शर्म करता है अपने दोस्त से बोलने में कि आप भी मास्क पहन लो. ओके, जी हाँ, उसका रिस्क जरूर कम होता है, पर आप देखोगे क्योंकि कोविड के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स साइड से मास्क से नीचे से जा सकते हैं तो रिस्क बना रहता है. जैसे ही इस इंसान ने मास्क पहन लिया वैसे ही क्या हुआ, जब भी बात की या खांसी आई या छींक आई, जो पूरे वो मास्क में ही है, पूरे लिमिट हो गए. ये ड्रॉपलेट्स का पूरे जो रूम की हवा है उसमें फैलने की संभावना बहुत कम हो गई. जब दोनों मास्क पहनेंगे तो जी हाँ, रिस्क बहुत कम होगा. और अगर आप देखोगे कि अगर हर इंसान ने मास्क पहना है और फिजिकल डिस्टेंसिंग बराबर है, जिसका मतलब हम वैक्सीन भी भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, अगर हमने सिर्फ ये याद रख लिया कि हमने मास्क ठीक से हमेशा पहना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो किया, तो भी अच्छे खासे बच्चे रह सकते हैं. की बात करें तो मास्क कौन सा पहने, क्या हमें N95 पहनना जरूरी है, क्या WHO ने ये बताया है कि जो 3 लेयर होता है, जहाँ बाहर का लेयर होता है एक वाटर रेजिस्टेंट लेयर पॉलिएस्टर जैसा, बीच वाला लेयर होता है एक फिल्ट्रेशन पॉलीप्रोपिलीन लेयर बोलते हैं इसे, और जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है कॉटन का लेयर जो अपने जो थूक के ड्रॉपलेट से वो अब्सॉर्ब कर ले. ऐसा 3 लेयर का मास्क जिसमें हर लेयर अलग अलग मटेरियल का हो, ऐसा मास्क सबसे उचित होता है. ऐसे मास्क ऑनलाइन बहुत सारे कंपनी से अवेलेबल है. जो मास्क काम चल रहा है 2 बजे तक आपको शिपिंग मिल जाएगी. मास्क कौन सा है उससे नहीं, अगर नहीं, नहीं, चीज है अभी मुरुम मुरुम डालने का काम है, कोई वहाँ पौधे लगाने का काम इस कारण डाल रहे हैं, प्लस गार्डन में भी पौधे लगाने, बहुत सारे पौधे मंगाएंगे,
अभी दो गार्डन डेवलप कर दूं। एक मिनट मुझे मुझे देना, मैं म्यूट करती हूं जो लोग म्यूटेड हैं। थैंक यू। तो मैं बता रही थी कि हम मास्क सब जानते हैं, पर डॉक्टर तृप्ति प्लीज म्यूट समबडी बिकॉज़ देयर इज लॉट ऑफ नॉइस इज कमिंग। आई जस्ट म्यूटेड एवरीवन। I will keep doing that if someone forgets to mute themselves. Thank you. ये वाला ठीक था ना? मैं आगे चलूं? Yes, please. तो मैं जो बताना चाह रही थी कि हम मास्क तो बड़े अच्छे मास्क खरीद भी लेते हैं, जो हम भूल जाते हैं वो है मास्क सही तरीके से पहनना। अभी क्योंकि हम समझ चुके हैं कि कोविड एयरबॉर्न है, जिसका मतलब अगर हमने मास्क ऐसे पहना जहाँ हमारा नाक खुला है तो मास्क का कोई फायदा ही नहीं है, वो जो ड्रॉपलेट्स हैं हमारे नाक से अंदर जाएंगे, या अगर हमने चिन खुला रखा तो यहाँ से लीक होके अंदर जाएंगे। हमने नाक और चिन कवर किया पर हमारे साइड से मास्क लूज है तो यहाँ से ड्रॉपलेट्स अंदर जाएंगे। और जो सबसे कॉमन सिनेरियो है, हम लोग मास्क तो हमेशा पहनते हैं पर जैसे ही हम बात करना चालू करते हैं तभी हम मास्क नीचे कर लेते हैं, और ये तो बहुत डेंजरस है। इसका मतलब ये है कि मास्क सही पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क चिन, मुंह और नाक पूरा एरिया कवर करे और साइड में ऑलमोस्ट कान तक जाना चाहिए। अगर जो ईयर लूप है अगर वो लूज हो रहा है तो ईयर लूप पे एक नॉट कर लो, ठीक है? पर मास्क अगर लूज होगा तो मास्क न पहनने के बराबर होगा। जो डबल मास्किंग की बात हो रही है वो इसी पूरे प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जो डबल मास्किंग का जो फायदा पाया गया वो इसलिए नहीं पाया गया क्योंकि हमने आपने 3+3 6 लेयर्स ऐड कर लिए। डबल मास्किंग का ये फायदा था कि जब आपने नीचे वाला मास्क पहना और ऊपर दूसरा मास्क पहना, ऊपर वाले मास्क ने आपके नीचे वाले मास्क को और ज्यादा टाइट सील कर दिया। और ये स्टडीज में पाया गया जो डबल मास्किंग का फायदा है वो फिट के वजह से है, ना कि मटेरियल के वजह से। जिसका मतलब अगर आप डबल मास्किंग करो आइडियल है, पर अगर आप डबल मास्किंग नहीं भी कर रहे हो, अगर आपके पास जो इकलौता मास्क है, जो भी मास्क हो, आप उस मास्क को अच्छे फिट से पहने और कंटिन्यूस पहने। ऐसे नहीं कि बात कर रहे हो तब हटा दो, जब आप दोस्त रिश्तेदार के साथ हो तब हटा दो, क्योंकि आप जितना लंबा समय किसी के साथ बिताओगे उतना ही आपका कोविड का रिस्क बढ़ता है। जिसका मतलब अगर आप बाजार जा रहे हो, 2 मिनट कुछ खरीद रहे हो तो आपका रिस्क बहुत कम है। आपका सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो है कलीग्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और वहां आपको सावधानी बरतनी है। जो बाकी जो चीजें हैं वो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, एनवायरमेंटल पूरा, हाई टच सर्फेसिस, हैंडशेक अवॉइड करो, गुड वेंटिलेशन जो हमने बात की, और जो एक आखिरी चीज है जो हम भूल जाते हैं वो है प्रीहैबिलिटेशन। आपने रिहैबिलिटेशन सुना होगा जो कभी सर्जरी के बाद फिटनेस बढ़ाने के लिए करते हैं। प्रीहैबिलिटेशन ने इस समझ के साथ कि आगे कभी हमें कुछ बीमारी हो सकती है, उस समझ के साथ हम पहले ही हमारे बॉडी को तैयार करें। जिसका मतलब अगर आपको जिस दिन कोविड डायग्नोज हो रहा है उस दिन आप विटामिन सी, जिंकोविट, फ्रूट्स खाना चालू करोगे तो आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं होगा। आपके न्यूट्रिशन या आपके बॉडी को ठीक रहने के लिए आपको बैलेंस डाइट हमेशा ही लेना चाहिए, आपको पानी हमेशा ही पीना चाहिए, विटामिन, ये सब चीजें आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपने आप मिलती है। जब कोई इंसान फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ढंग से नहीं लेता या उनका डाइट बैलेंस नहीं होता है तब जाके उनको कहीं टैबलेट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप सब कोई एक मल्टीविटामिन 2 साल तक लेते ही रहे या आपको जब सर्दी खांसी लगे तब रहे, आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए। जो लोग स्मोकिंग या टोबैको करते हैं और अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं ये उनके लिए बहुत अच्छा समय है। हमने देखा है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें कोविड के कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं, उनको रिकवरी में टाइम लगता है। तो स्मोकिंग टोबैको ये बंद करने का सुनहरा अवसर है। अगर आपको या आपके घर में किसी को डायबिटीज है, आप प्लीज ये जान लीजिए कि हमने पूरे 1.5 साल में जो इकलौता कैटेगरी जिनमें हमने कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा देखे है वो है डायबिटिक पेशेंट्स। तो आप अपना HbA1c कराइए, आपका HbA1c लेवल 7 से नीचे होना चाहिए। अगर आपका HbA1c 7 से नीचे नहीं है तो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, आपके शुगर्स कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। और चौथी चीज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम एरोबिक एक्सरसाइजेज है, ऐसी एक्सरसाइजेज जिससे आप हाफना चालू कर जाओ चालू करें, जैसे वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग। अगर आप ये सब नहीं कर पाते हो तो घर पे जंपिंग, स्किपिंग, ये कम से कम 20 से 30 मिनट रोज, हफ्ते में कम से कम 5 दिन।
तो अगर आप ये सब चीजें फॉलो करोगे तो आपका जो कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा. कोई कारण अगर आपको कोविड नहीं कोई और भी बीमारी होती है तो आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे से तैयार होती है उस बॉडी उस बीमारी से लड़ने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट पे हम जाते हैं, वो है कोविड का मैनेजमेंट. अब हम ये जान चुके हैं कि 100 लोगों में से 80% लोगों का मैनेजमेंट घर पर होता है. सिर्फ 20% लोग होते हैं जिन्हें हॉस्पिटल की जरूरत होती है. और ये 20% लोग कौन होते हैं? जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, या जिनके लंग में निमोनिया बहुत ज्यादा है, या जिनकी सांस फूल रही है, या कुछ और चीज है जैसे किडनी, कुछ किडनी रिपोर्ट खराब है, या कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ डॉक्टर को लगे सेकेंड हफ्ते में एडमिट करने की जरूरत है मॉनिटरिंग के लिए. इसके अलावा मैक्सिमम लोग घर पे ट्रीट हो सकते हैं. और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि हमने देखा है बहुत बार कोविड का डायग्नोसिस देखते ही लोग ऐसे डर जाते हैं कि अरे मुझे डायबिटीज है, मुझे टीबी है, मुझे अस्थमा है, मुझे एचआईवी है, मुझे कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा तो चलो एडमिट हो जाते हैं. ऐसे डर से प्लीज एडमिट मत होइए. एडमिशन की मैक्सिमम लोगों में जरूरत नहीं होती. कोविड के लक्षण हम सबको पता है. कुछ लक्षण जो हमने सेकेंड वेव में देखे हैं जो बुखार के बिना आते हैं. काफी बार लोगों को सिर्फ लूज मोशंस होते हैं, सिर्फ नौशिया वॉमिटिंग होता है, सिर्फ स्मेल और टेस्ट चला जाता है, या कभी कभी सिर्फ बॉडी एक होता है. तब लोगों को लगता है कि ये कोविड शायद नहीं होगा, इसलिए वो अपने आप को आइसोलेट नहीं करते. और वो जो 2-3 दिन का जो समय होता है जब वो अपने आप को आइसोलेट नहीं करते, वो 2-3 दिन में वो बाकी घर के लोगों को कोविड दे चुके होते हैं. तो आपको कोई भी लक्षण आए जो आपको लगे कि कुछ अलग है, आप तुरंत आइसोलेट हो जाइए. आपका कंफर्म हो जाने दीजिए डायग्नोसिस क्या है, फिर उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आइसोलेशन का क्या करना चाहिए. जब आपको शक हुए कि कोविड है तो आपको कौन सी टेस्ट की जरूरत है? हमने बहुत बार कुछ पेशेंट्स देखे हैं जो ब्लड टेस्ट करते हैं और ब्लड टेस्ट नेगेटिव आता है, उनको लगता है उनको कोविड नहीं है. तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड है, मैं आपको सिर्फ सरल में बताना चाहती हूँ कि जब कोविड होता है, ये जो आप बाकी सब सॉलिड ग्राफ्स देखोगे, ये सब RT-PCR के ग्राफ है या एंटीजन के ग्राफ है. जिसका मतलब जब आपको लक्षण है और उसके एक हफ्ते बाद तक जो आपको टेस्ट कोविड पकड़ सकता है वो है RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट. जो ब्लड टेस्ट में एंटीबॉडीज आते हैं वो सिर्फ सेकेंड हफ्ते में चालू होते हैं और वो थर्ड या फोर्थ वीक तक पीक होते हैं. तो अगर आपको कोविड डायग्नोसिस करना है तो ब्लड टेस्ट का कोई रोल नहीं है, आपको रैपिड एंटीजन या RT-PCR करना ही पड़ेगा. रैपिड RT-PCR जिसको हम मॉलिकुलर टेस्ट बोलते हैं, वो सबसे बेहतरीन टेस्ट है, सबसे सेंसिटिव टेस्ट है. पर फिर भी 100 लोगों में से 70 लोगों का कोविड पकड़ता है, 30 लोगों का कोविड मिस करता है. इसका मतलब अगर आपको कोविड जैसे सिम्टम्स है और आपका RT-PCR नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आइसोलेशन एंड कर दो. इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका टेस्ट नेगेटिव है, हो सकता है आपको फिर भी कोविड हो. ठीक है, जिन कोई कोई जगहों में RT-PCR या तो शॉर्ट सप्लाई में होता है या रिपोर्ट आने में बहुत वक्त लगता है, उस जगह रैपिड एंटीजन टेस्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है. जहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट का 10 मिनट में रिपोर्ट आता है, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आपको RT-PCR करवाने की ज़रूरत है ही नहीं. अगर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है और कोविड का शक है तो फिर ही RT-PCR करना पड़ता है. ठीक है, और एंटीबॉडी टेस्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको जानना होता है कि आपको या तो कुछ लोगों को एसिम्प्टोमेटिक या बिना लक्षण वाला कोविड होकर जा चुका है, या अगर कोविड आपको एक साल पहले होकर गया है या कुछ महीने पहले होकर गया है, हमको देखना है आपका एंटीबॉडी रिस्पांस कैसा है, तब हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं. और ये भी याद रखिए कि हर एंटीबॉडी टेस्ट वैक्सीन का एंटीबॉडी नहीं कैच करता. बीच में ऐसा डिस्कशन चल रहा था कि लोगों को वैक्सीन मिल गई फिर भी उनका एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव आया. जी हाँ, ऐसे हो सकता है क्योंकि जो मैक्सिमम एंटीबॉडी टेस्ट अवेलेबल है वो वैक्सीन वाले एंटीबॉडीज कैच नहीं करते, वो नेचुरल इन्फेक्शन के बाद जो एंटीबॉडीज होते हैं उनको डायग्नोज करते हैं. ठीक है, तो ये रहा तीनों टेस्ट का इम्पोर्टेंस. अब अगर किसी को कोविड हो जाए तो क्या करें? सबसे पहले आइसोलेट हो जाए, पौष्टिक खाना, अच्छे से पानी, आराम कीजिए. आपके बुखार बॉडी दर्द के लिए पैरासिटामोल जरूर ले सकते हो, पर पैरासिटामोल के अलावा आपको जो भी दवा लेना है वो प्लीज डॉक्टर के कहने पर ही लेना. अपने मन से या व्हाट्सएप फॉरवर्ड को देखकर या आपके किसी दोस्त रिश्तेदार के प्रिस्क्रिप्शन को देखकर अपने आप को प्लीज मेडिकेट नहीं करना. हमने हमारे कुछ
जान पहचान के लोगों में ऐसे लेने वाले मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स दिखे, ठीक है। हाइजीन और डिसइंफेक्शन के बारे में आप सब हर कोई जानते हैं। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्प्लिकेटेड कोविड पकड़ने के लिए। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप बैठे बैठे एक बार ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करोगे, फिर घर में 6 मिनट वॉक करोगे या रूम में 6 मिनट वॉक करोगे, और 6 मिनट के बाद वापस ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कीजिए। 6 मिनट वॉक के बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन या तो बढ़ना चाहिए या तो सेम रहना चाहिए। अगर कोई कारण आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 या उससे कम हो रहा है तो हमको तुरंत कॉल करना, हम आपको बताएंगे आपको नेक्स्ट चीज क्या करना है। आपका आइसोलेशन कैसे खत्म होगा, बहुत लोगों को लगता है कि कोविड का आइसोलेशन फिनिश करने में उनको आरटीपीसीआर टेस्ट की वापस जरूरत होगी, ऐसे नहीं है। आपका एक बार जो आरटीपीसीआर टेस्ट हो गया बस उसी टेस्ट की जरूरत होती है, उसके बाद यू नेवर नीड एन आरटीपीसीआर टेस्ट अगेन। तो कैसे कैसे आइसोलेशन या क्वारंटीन खत्म होगा कैसे डिसाइड करें, अगर आपके पहले लक्षण से या पहले सिम्टम से 10 दिन हो चुके हैं, आपको बिना लिए बिना कोई दवा लिए बुखार नहीं आया है और आपके बाकी जो चीजें हैं सांस फूलना, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, लूज मोशंस बंद हो चुके हैं, अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो आपका आइसोलेशन एंड हो सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको हमेशा इसके पहले पूछ सकते हैं। और जो बाकी हमने जो चीज बताई, जो 20% लोग हैं उनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। अब जो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट की आपको कब जरूरत होगी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे ही कोविड हो जाता है, आजकल व्हाट्सएप पे या रिश्तेदार और दोस्त इतना प्रेशराइज करते हैं कि सीटी स्कैन करवा लो। आप ये समझिए कि कोविड के सिर्फ 5% लोगों को सीटी स्कैन की एक्चुअली जरूरत होती है। तो क्योंकि आपका बुखार 3-4 दिन से नहीं गया है इसलिए सीटी स्कैन करवा लो, ऐसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सीटी स्कैन की जरूरत सिर्फ तब होती है जब दूसरे हफ्ते में भी आपके लक्षण चल रहे हो और आपके ब्लड टेस्ट से हमको ऐसे कुछ पता चल रहा है कि शायद आपका आपके लंग में कुछ एक्सेस न्यूमोनिया के चांसेस हो, या आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 या उससे कम हो, या आपको कोई कारण सांस फूल रही है। तो बहुत कम, अगर आप ये देखोगे तीनों क्राइटेरिया, बहुत कम लोगों को एक्चुअली सीटी स्कैन की जरूरत होती है। और ये हम आपको बताएंगे कि आपको एक्चुअली सीटी स्कैन कराना है या नहीं कराना है। तो सिर्फ कोविड डायग्नोज होते ही जब लोग सीटी स्कैन करा लेते हैं फिर उनके लंग में स्कोर 2, 3, 4 दिखता है, ये नॉर्मल है। कोविड के मैक्सिमम लोगों में कुछ ना कुछ सीटी स्कैन के स्कोर पे 3, 4, 5, 6 आता है, वो स्कोर से पैनिक बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। ये चीजें फिर भी माइल्ड कहलाती है और अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ये एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आप ये सब दवाइयों से काफी वाकिफ हो चुके हो, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एंटीबायोटिक्स, एजिथ्रोमाइसिन, ये जो सब दवाइयां हैं, आइवरमेक्टिन जैसे वर्म्स की दवाई है, बाकी जो है एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की दवाई है, इनका वायरस में कोई भी रोल नहीं है। कोई भी रोल नहीं मीन्स आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है ये दवाई। ये जो रेड में जो दवाइयां हैं ये तो बिल्कुल भी नो नो है, दीज मेडिसिन आर नॉट सपोज टू बी टेकन। स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो हम बहुत सिलेक्ट पेशेंट्स में, मोस्टली जब हॉस्पिटल में होते हैं तब हमें जरूरत पड़ती है। जब स्टेरॉइड्स को बिना कोई इंडिकेशन के या पहले हफ्ते में दिया जाता है तो इससे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बढ़ जाते हैं, म्यूकर माइकोसिस का रिस्क बढ़ जाता है, डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। तो स्टेरॉइड्स, जी हाँ, वो कुछ एक माइनॉरिटी सिलेक्ट पेशेंट्स में काम करता है पर बाकी पेशेंट्स में नुकसान ज़्यादा करता है। जो चीज़ों का डेफिनेटली कोई बेनिफिट हो सकता है, पैरासिटामोल काफ़ी बार लेना पड़ता है बुखार या बॉडी एक के लिए। अगर आप ऐसे हो जो आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ढंग से नहीं खाते तो यस, आपको हम विटामिन्स देंगे। और इकलौता जो विटामिन है जिसका सही में फायदा पाया गया है वो है विटामिन डी। आप काफी बार जब हमारे फॉलोअप पे आते हो तो हम इंश्योर करते हैं कि आपके विटामिन डी, और ये सिर्फ कोविड की बात नहीं है, इससे पहले भी जब भी आप हमारे पास आते हो हम आपके विटामिन डी और ये सब चीजों का ध्यान रखते ही है। तो मोस्टली आप सब लोगों का विटामिन डी लेवल या आपका विटामिन डी का कोर्स पिछले 1-1.5 साल में हुआ होगा, तो इसकी भी चिंता ना करें। ये आपको कोविड के बारे में मैंने बताया, स्टीरॉयड के बारे में मैंने आपको बताया कि आप देखोगे कि पहले वीक में कभी भी स्टीरॉयड, डेक्सामिथाजोन स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड की जरूरत सिर्फ
बाद में सेकेंड वीक में या 10 दिन बाद जब हॉस्पिटल में कभी कोई होता है तो उनकी जरूरत पड़ती है. ये जो गाइडलाइंस है, ये बहुत सारे गाइडलाइंस से ये दवाइयाँ हट चुकी है, तो ये दवाइयों को बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है. विटामिन डी के बारे में आपको बताया, तो मैं ये बताना चाह रही थी, एक बहुत फेमस रेडियोलॉजिस्ट है डॉक्टर भाविन झंकारिया, उन्होंने ये बहुत ब्यूटीफुल ग्राफिक बनाया था जहाँ उन्होंने दिखाया कि कुछ पेशेंट्स को सिर्फ पैरासिटामोल मिलता है, कोई टेस्ट नहीं होते, उनका सिर्फ फीवर मॉनिटर करते हैं, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते हैं और 95% लोग इम्प्रूव हो जाते हैं. कुछ लोग होते हैं जिनको 10 दवाइयाँ देते हैं, ऑब्वियसली सिटी स्कैन होता है, बहुत सारा टेस्ट होता है, बहुत सारा कॉस्ट होता है, उनमें भी 95% लोग इम्प्रूव होते हैं. अभी ये जो लोग इम्प्रूव होते हैं, इनको लगता है कि ये दवाइयों के वजह से इम्प्रूव हुए या जो टेस्ट किए उसकी वजह से इम्प्रूव हुए. आप देखोगे कि ये लोग तो अपने आप इम्प्रूव होने ही वाले थे, क्योंकि वायरल बीमारियों से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लड़ती है, ना कि एंटीबायोटिक्स. एक स्पेसिफिक समय में आपके कोई लोगों के बीमारी में जी हाँ दवाइयों की जरूरत होती है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, पर उसका डिसीजन डॉक्टर्स लेंगे और वो समय समय पे लेना पड़ता है. जो घर में कभी किसी का आपको दिखे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ा वक्त है, तो जो एक चीज ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाने में हेल्प करती है वो है प्रोन वेंटिलेशन. प्रोन वेंटिलेशन यानी पेट पर सोना, या तो पेट पर या करवट पर. ऐसे सोने से काफी बार ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाता है और आप हॉस्पिटल पहुंचने तक या ऑक्सीजन मिलने तक ये काफी हेल्प करता है. इनफैक्ट प्रोन वेंटिलेशन का और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का सेकेंड वेव में हमारे काफी पेशेंट्स को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि बहुत बार वो ऐसे जगह पे थे जहाँ बेड्स अवेलेबल नहीं थे, या अगर बेड्स अवेलेबल थे तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था. तो हमने हमारे काफी पेशेंट्स को सिर्फ प्रोन वेंटिलेशन दवाइयों से और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से घर पे ही मैनेज किया है और काफी अच्छे से वो मैनेज हुए हैं. एक जो चीज कोविड जिसको हो चुका है उनको पता होगा कि कोविड खत्म हो जाने के बाद भी कुछ हफ्तों तक बॉडी एक फटीक चक्कर आना, ऐसे बहुत सिम्टम्स चलते हैं, कभी कभी कुछ हफ्तों तक, कभी कभी 2-3 महीने तक भी. इसे हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं. अगर आप में से किसी को या आपके कोई रिश्तेदार को अगर ये कोई तकलीफ है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए. हर एक चीज़ के लिए हम आपको कोई ना कोई तरीके से हेल्प कर पाते हैं. पर जो ज़रूरी है चीज़ समझना कि पैनिक मत होइए. कोविड के ख़त्म हो जाने के बाद कुछ सिम्टम्स रहते हैं और उसका हम उसके लिए हम आपको मदद कर पाते हैं, पर पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है. बात करते हैं हम नॉन कोविड इलनेसेस की. लॉकडाउन के दौरान और इस दौरान जब हॉस्पिटल्स फुल थे, हेल्थ केयर बहुत ओवरबर्डन था, उस दौरान हमने देखा कि बहुत सारी जो दूसरी बीमारियां हैं उनका बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट होना चालू हुआ. जैसे जिनको डायबिटीज़ है उन्होंने एक एक डेढ़ साल तक उनके HbA1c लेवल्स करवाए नहीं, जब वो एक्चुअली हमारे पास आए तो 300-400 के शुगर्स को लेकर आए या कॉम्प्लिकेशंस लेकर आए. या किसी को 2-3 महीनों से खांसी है, उन्होंने TB का जांच नहीं करवाया. जिनका ब्लड प्रेशर है उन्होंने दवाई बंद कर दी. कुछ HIV पेशेंट्स है जिन्होंने फॉलो अप नहीं किया, बीच में टेस्टिंग नहीं करवाया, उन्होंने या तो दवा बंद कर दी. और इसे हम कहते हैं कोलैटरल डैमेज. कोलैटरल डैमेज यानी कोविड के अलावा कुछ ऐसी बीमारियों से डैमेज होना जो हम गिनते ही नहीं, जो हम भूल जाते हैं कि कोविड के साथ साथ बाकी कुछ बीमारियों का हमारे पेशेंट्स में ऐसा नुकसान होते जा रहा है क्योंकि उनका ट्रीटमेंट सही वक्त पे नहीं हो रहा है. और ये बहुत सारे देशों में कोलैटरल डैमेज देखा गया है. अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया का डेटा नहीं है पूरा टोटल कोलैटरल डैमेज का, पर उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगी, जैसे TB की अगर बात ले तो TB में ऐसे प्रिडिक्शन है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान सिर्फ TB से इंडिया में 1 लाख एडिशनल डेथ्स होंगे. आप सोचिए सिर्फ एक बीमारी से 1 लाख एडिशनल डेथ्स होंगे. HIV के बीमारी में पाया गया, ये UK का डेटा है, कि डेथ रेट आप देखोगे ऑलमोस्ट 2x हो गया था. और ये मैक्सिमम जो लोग थे वो ऐसे लोग थे जिनका या तो फॉलो अप ठीक से नहीं हुआ या जिन्होंने दवा बंद कर दी. तो आप ये समझिए जो लोगों का डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारी या TB या HIV या हेपेटाइटिस जब बराबर कंट्रोल में होगा तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे. तो जो लोगों ने आपके सब दवाइयाँ बंद की है या फॉलोअप नहीं किए, आप प्लीज़ वापस आपके हेल्थ फॉलोअप के लिए या आपकी दवाइयाँ वापस चालू करना ज़रूरी है और आपके जो शुगर्स वगैरह हैं वो कंट्रोल करना ज़रूरी है. HIV के लिए जो ज़रूरी है कि जो लोगों का CD4 बहुत अच्छा है, जो लोगों का वायरल लोड कंट्रोल है, उनको उनका जो रिस्क है वो नॉर्मल कोई लोगों से कुछ ज़्यादा नहीं है, उनका रिस्क सेम है.
बीमारी का रिस्क भी और इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी सेम है, तो उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. जी हाँ, जो लोगों का CD4 कम है उनमें हमें बाकी इन्फेक्शन का ध्यान जरूर देना पड़ता है. कोविड के दौरान भी आपकी दवाइयाँ बराबर लेते रहे, और अगर आप कोई भी नई दवा ले रहे हो तो उस नई दवा का कोई आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दवा के साथ ड्रग इंटरेक्शन ना हो. इसलिए हमें सिर्फ एक बार कॉन्टेक्ट करके पूछिए कि मुझे ये दवा लेनी है, या मैं ये दवा ले रही हूँ या ले रहा हूँ, क्या मैं ये ले सकते हैं. और मैं आपको कुछ देर में वैक्सीन का बताऊंगी, पर HIV पेशेंट्स के लिए वैक्सीन एब्सोल्युटली सेफ है. इनफैक्ट वो प्रायोरिटी पॉपुलेशन है वैक्सीन के लिए. तो इससे बात करते हैं वैक्सीन की. कुछ महीनों पहले वैक्सीन की काफी हिचक थी, पर हमने सेकेंड वेव में वैक्सीन का बहुत क्लियर फायदा देखा. जो लोगों को वैक्सीन मिल चुका था उनमें या तो कोविड हुआ ही, या जो हुआ उन्हें बहुत माइल्ड कोविड हुआ. वैक्सीन मिल चुके लोगों में कॉम्प्लिकेशन बहुत बहुत कम थे. ठीक है, तो वैक्सीन का आपको थोड़ा शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपके मन में हम नहीं चाहते कि वैक्सीन के बारे में कोई भी डर या डाउट हो. ये जो है ये कोरोना वायरस है. ओके, कोरोना वायरस के कवरिंग पे ये होता है स्पाइक प्रोटीन. ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है ये स्पाइक प्रोटीन होता है. ये स्पाइक प्रोटीन हमारे शरीर के एक सेल को बाइंड करता है. जब ये स्पाइक प्रोटीन हमारे सेल के एक सेल हमारे शरीर के सेल को बाइंड करता है, तब कोविड इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है. जिसका मतलब अगर हमने कोई तरीके से ये स्पाइक प्रोटीन का बाइंडिंग ये अगर हमने स्टेप रोक दिया तो कोविड इन्फेक्शन होगा ही नहीं. तो एंटीबॉडीज जो वैक्सीन जो एंटीबॉडीज शरीर में बनवाती है उनका यही काम होता है. जैसे ही कोरोना वायरस बॉडी में जाएगा ये एंटीबॉडीज जाके ये पूरे स्पाइक प्रोटीन को कवर कर देगी. क्योंकि अभी स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी से कवर है, ये अपने बॉडी के सेल को अटैच नहीं कर पाएंगे और कोविड नहीं होगा. तो हर वैक्सीन का काम बस यही होता है कि शरीर में जाए, कोई ना कोई तरीके से एंटीबॉडीज बनाए, ताकि अगली बार जब कोरोना वायरस आपके शरीर में आए तब आपकी बॉडी की आर्मी इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहे. ये एंटीबॉडीज शरीर में जाकर बनाते कैसे हैं, उनका जो तरीका है वो अलग अलग होता है, और इसलिए वैक्सीन अलग अलग है. जैसे mRNA DNA वैक्सीन में क्या होता है, जब हमें कोविड वायरस का इन्फेक्शन होता है तो पूरा वायरस का वायरस हमारे शरीर में जाता है. ये वैक्सीन क्या करता है, पूरा वायरस का वायरस नहीं, उसका एक छोटा सा जेनेटिक पार्ट जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है इसको शरीर में देता है, ताकि बॉडी स्पाइक प्रोटीन बनाकर उसे एंटीबॉडीज बनाए. जो स्पुतनिक वी और कोविशील्ड है उन लोग वो एक दूसरा वायरस का यूज करते हैं जिससे बीमारी नहीं होती. उसमें वायरस का एक छोटा सा हिस्सा डालते हैं जिससे अपने बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगे, और जब बीमारी होगी तब अपने एंटीबॉडीज तैयार रहेंगे. और कोवैक्सीन क्या करता है, जो वायरस है वो वायरस को पूरा जब वायरस को इनएक्टिवेट कर देते हैं, यानी मार देते हैं, और वो मरे हुए वायरस के थोड़े पार्टिकल्स लेकर शरीर में वैक्सीन के रूप में डालते हैं. अगर आप ये सब, मेरा ये बताने का ये उद्देश्य है कि बहुत बार व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स हुए हैं कि वैक्सीन से आपके बॉडी का जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा, आप इनफर्टाइल हो जाओगे, ये सब मिथ्स है, ये सब झूठ है, ऐसे कुछ नहीं होता है. ये अगर आप देखोगे बहुत ही सरल टेक्नोलॉजी है, और ये जो वैक्सीन है इसी टेक्नोलॉजी पे हमारे सब बच्चों के भी वैक्सीन दिए जा रहे हैं. ऐसे इनफर्टाइल होना, बांझ होना, कैंसर होना, ऐसे वैक्सीन से कभी नहीं हुआ. ठीक है, जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स है साधारण साइड इफेक्ट्स है जो बच्चों में भी होते हैं. बच्चों को वैक्सीन देते हैं तो उनको एक दो दिन तक बुखार आता है, बॉडी एक होता है, या जहाँ इंजेक्शन है वहाँ दर्द होता है. ये सब साइड इफेक्ट्स दो तीन दिन तक रहते हैं, इन्हें पैरासिटामोल से आराम से मैनेज कर सकते हैं. अगर आपके फर्स्ट या सेकेंड डोज के बीच अगर कोविड अगर आपको हो जाता है तो आपका जो अगला डोज होगा वो आपके कोविड डायग्नोसिस से 12 हफ्ते आगे या 3 महीने बाद आपको वैक्सीन लेना है. क्योंकि आपकी जो बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी है अब कोविड के लिए, वो ही आपके बॉडी में काफ़ी काम कर देती है. तो आप वैक्सीन 3 महीने बाद ले सकते हो. आपको प्री और पोस्ट वैक्सीन में क्या केयर लेना है. प्री वैक्सीन में तो ऐसे कुछ नहीं होता है. कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स ने कहा था कि आपको कोई ब्लड टेस्ट कराने होते हैं या कुछ, ये बिल्कुल सब गलत है. आपको वैक्सीन के पहले कोई ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है. अगर आपको वैक्सीन लेने के आसपास लग रहा है कि आपको बुखार सर्दी है तो प्लीज वैक्सीन ना लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको एक्टिव कोविड हो. पर अगर ऐसे कुछ नहीं है तो आप वैक्सीन ले सकते हो. आपके फर्स्ट डोज के बाद आपको इम्यूनिटी नहीं आती, आपकी इम्यूनिटी सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद ही बनती है. इसलिए
आपका बूस्टर डोज स्किप ना करें. फिलहाल के तारीख में दोनों वैक्सीन, अगर आपका पहला कोवैक्सीन था तो अगला डोज भी कोवैक्सीन का होगा, अगर पहला कोविशील्ड था तो अगला भी कोविशील्ड होगा. जी हाँ, फिलहाल कोई ट्रायल्स चालू है जिसमें दो वैक्सीन मिक्स करके क्या इफेक्ट होता है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिलहाल उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है, इसलिए आपको दोनों डोज उसी वैक्सीन के लेने हैं. वैक्सीन लेने के बाद भी आपको मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि आप इम्यून हो पर आप किसी और को बीमारी दे सकते हो, ठीक है, इसलिए आपको वैक्सीन पहनना जरूरी है. कोविशील्ड के दो डोजेज में 3 महीने का गैप है, कोवैक्सीन के दो डोजेज में 1 महीने का गैप है, और जो स्पुतनिक भी कहीं कहीं आ चुका है उनमें 3 हफ्ते का गैप है. ये अभी गाइडलाइंस बहुत क्लियर हो गए, फिलहाल ये उनका टाइमलाइन है फॉर योर सेकेंड डोजेस. वैक्सीन का इफेक्ट, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को वैक्सीन होकर भी कोविड हुआ है, और फिर लोगों को लगता है कि वैक्सीन लेकर भी कोविड हो रहा है तो वैक्सीन लेने का फायदा ही क्या है. तो जी हाँ, वैक्सीन लेने के बाद कोविड हो सकता है. वैक्सीन का जो असली फायदा है वो ये है कि वैक्सीन लेने वाले कोविड मरीजों को सिवियर कोविड इलनेस, कॉम्प्लिकेटेड कोविड इलनेस नहीं होता, हॉस्पिटल में नहीं पहुंचते, और कोविड से मृत्यु उसके चांसेस बहुत कम होते हैं. तो वैक्सीन का सही मायने में जो फायदा है वो सिवियर इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से है, और वो उस एस्पेक्ट में जो तीनों वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, आप देखोगे, और जो भी वैक्सीन फ्यूचर में अवेलेबल होंगे वो वैक्सीन का ये सब ये स्पेशल एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छा फायदा है, ठीक है. आखिरी की दो स्लाइड्स, आपने सुना होगा कि वैक्सीन के बाद किसी को हार्ट अटैक आया है, किसी को लकवा आया है, तो ये समझना जरूरी है कि अगर हम इतने बड़े नंबर पे लोगों को जब वैक्सीनेट करते हैं, तो अगर ये समझो अगर हमने 10 मिलियन लोगों को वैक्सीन फॉलो किया, यानी 1 करोड़ लोगों को हमने बिना वैक्सीन दिए भी अगले 2 महीने देखे कि 1 करोड़ लोगों में क्या होता है. वो 1 करोड़ के आबादी में किसी न किसी को हार्ट अटैक होना ही है, किसी न किसी को स्ट्रोक होना ही है, किसी न किसी को कैंसर डायग्नोज होना ही है. ये नेचुरल है, ये 1 करोड़ के इतने बड़े आबादी में ऐसा होना है. उसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 करोड़ में क्योंकि उन्हें वैक्सीन मिला है इसलिए ये सब चीजें हुई. ये चीज होनी ही थी, अब बस ये हो रहा है कि सोशल मीडिया के कारण हर एक ब्लेम वैक्सीन पे जा रहा है या हर एक ब्लेम कोविड पे जा रहा है, ठीक है. वैक्सीन का बेनिफिट सबको है, खास करके उन लोगों को जिनको कोविड के कॉम्प्लिकेशंस होने का ज्यादा रिस्क है, जिसका मतलब जिनको सांस की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, डायबिटीज है, HIV है, कोई कारण से कोई कैंसर कीमोथेरेपी है, इन लोगों को सिवियर कोविड होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसलिए इन लोगों को वैक्सीन लेना और भी ज्यादा जरूरी है. तो क्योंकि आपको या आपके किसी रिश्तेदार को ये बीमारी है, कोई वैक्सीन लेने की हिचक ना रखे, आपको वैक्सीन लेना जरूरी है. जो एक दूसरा डाउट होता है लोगों को वो है एलर्जी का. बहुत लोगों को डस्ट की एलर्जी है या कोई दवा की एलर्जी है या सल्फा एलर्जी है, वैक्सीन का और बाकी एलर्जी का कोई लेना देना नहीं है. तो अगर आपको कोई एलर्जी है फिर भी आप वैक्सीन बेझिझक ले सकते हैं. तो ये मेरा आखिरी स्लाइड है. अगर हमको तीसरे वेव से बचना है तो हमको ये समझना है कि हमारे पास एक जादुई छड़ी है, वो है मास्क, ठीक है. वैक्सीन आपको मिले ना मिले, वैक्सीन काम करे ना करे, वेरिएंट नया आए या पुराना हो, मास्क जरूर काम करेगा. दूसरी चीज, 80-90% लोग घर पे मैनेज हो सकते हैं, बहुत कम से कम दवा के साथ, कम से कम टेस्ट के साथ. तो बिना काम की दवाइयाँ, बिना काम के टेस्ट मत लीजिए. आपको कभी भी कोई डाउट है, आपको कोई भी चीज़ है, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए. आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्त को, किसी को हमारे हेल्प की ज़रूरत है, हम हमेशा फ़ोन पे अवेलेबल है. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करना, इससे हमें अर्ली कॉम्प्लिकेशन बहुत जल्दी समझ जाता है. वैक्सीन बहुत अच्छा काम करती है, जब भी आपको वैक्सीन मिले आप वैक्सीन लीजिए. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से हमने बहुत नुकसान देखा है. अगर आपको श्योर नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, उस मैसेज को फॉरवर्ड ना करें. और आपको कोई सवाल है तो हम अभी अवेलेबल है आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और नहीं तो हमारा नंबर आपके पास है ही, तो आप कभी भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो. आप खुद ये इन्फॉर्मेशन रखिए, आपके दोस्तों को, परिवार वालों को दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सब पेशेंट्स
अपने आप में एक एजुकेटर बने. थैंक यू सो मच. धन्यवाद डॉक्टर तृप्ति. सिर्फ एक ही चीज मुझे मैं बताना चाहूंगा कि जो एंटीजन टेस्ट है उसके अंदर फॉल्स पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, 50-60%. जैसे मैंने बताया कि आरटीपीसीआर में 30% फॉल्स नेगेटिव होती है, तो एंटीजन में 60-70% फॉल्स नेगेटिव हो सकता है. तो एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है, पक्का पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव है तो उसका कोई भरोसा नहीं है. अभी आपके कोई सवाल है तो आप हाथ उठाइए और एक लाइन से हम लोग जवाब दे सकते हैं. टेस्ट रिलेटेड सवाल के जवाब आपको डॉक्टर प्राप्ति देगी, इन्फेक्शन रिलेटेड चीजों के सवाल आपको तृप्ति देगी, बचे कुछ है मैं दूंगा. तो दो सवाल आए हैं. एक का पूछना है कि व्हाट शुड बी द CD4 काउंट टू टेक द कोविड वैक्सीन. कोई भी वैक्सीन लेने के लिए हम चाहते हैं कि आपका CD4 काउंट अच्छा रहे. एज लॉन्ग एज आपका CD4 काउंट 100 या 200 से ऊपर है, वैक्सीन आपके लिए वैक्सीन का वैसे भी CD4 काउंट के साथ रिस्क नहीं है. हमारा सिर्फ ये होता है कि जिन लोगों का काउंट CD4 काउंट बहुत कम होता है, 30, 40, 50, उनमें वैक्सीन इम्यूनिटी अच्छे से नहीं आती. तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप आपकी दवाइयाँ बराबर लेते रहे, क्योंकि आपकी दवाइयाँ बराबर लोगे CD4 काउंट अच्छा रहेगा. CD4 काउंट अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपको वैक्सीन का पूरा फायदा होगा. दूसरा एक सवाल है कि क्या प्रेग्नेंट वुमेन कैन टेक द वैक्सीन. यस, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के लिए कोविशील्ड का अप्रूवल आ चुका है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिसेंटली प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए वैक्सीन अप्रूव किया है. अगर किसी को सवाल चैट बॉक्स में डालना है तो वैसे भी चलेगा, अगर किसी को अनम्यूट करके सवाल पूछना है तो वैसे भी चलेगा. और एक सवाल आया है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ वैक्सीन इफ वी टेक बोथ डोजेज ऑफ कोविशील्ड. आई एम नॉट श्योर वैलिडिटी का क्या मतलब है. मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आप एफिकेसी की बात कर रहे हो. तो कोविशील्ड की एफिकेसी हम कहते हैं कि 60-90% है फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन. मीन्स आपको कोविड इन्फेक्शन से 60-90% बचा पाएगा. पर जैसे मैंने आपको बताया कि सिवियर कोविड इन्फेक्शन से या हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ से दोनों डोज ऑफ कोविशील्ड ओवर 95% बचाता है आपको. Can I ask a question? Yes, sure. Please go ahead. So, if there's a antibody test has been done and if the antibodies of a person who's already recovered from COVID is about 157 or 158, the count, then should they take the vaccine or they can wait? Or if they take the vaccine, is there any harm? There is no harm if they take the vaccine, but if the natural immunity is so good, they can easily wait for another 12 weeks. Thanks. So at least another 3 months. Thank you. This Trupti madam, namaskar. Namaste. Vare ji bol raha hu. Boliye. Sir, mera CD4 count kya usne 400 ke upar tha, to mere ko diya vaccine. Matlab wife ko nahi diya, bolta 43 के ऊपर भेजने है उसका, 45 के ऊपर इसके लिए. CD4 count 45. वाइफ का कितना है CD4 count? नहीं नहीं, वाइफ का तो 1100 है उसका. Age I think. वेज अब तो सब 43 खुल चुका है. अब तो सबके लिए खुल चुका है वैक्सीन. 18 के ऊपर सबको मिल रहा है वैक्सीन. तो मेरे को दिया लेकिन वाइफ को नहीं दिया इसके लिए. अच्छा. क्योंकि तुम 45 के ऊपर इसे तुमको दिया, वाइफ 45 के नीचे तो वो पेड वैक्सीनेशन के अंडर. We still don't know about a booster dose. We are waiting for data. हमें नहीं पता कि जो वैक्सीन की इम्यूनिटी है. अभी जो लोगों को पिछले साल ट्रायल में वैक्सीन मिला था उनका वैक्सीन बेनिफिट ऑलमोस्ट 9-12 मंथ्स देखा गया है. सो आई थिंक एज वी कीप मूविंग फॉरवर्ड वी विल हैव मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द वैक्सीन इम्यूनिटी. और फिर बूस्टर डोज का हमें उसके बाद ही पता चलेगा कि बूस्टर डोज की जरूरत होगी या नहीं. राइट नाउ देर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन बूस्टर डोज एंड दैट इज नॉट समथिंग वी आर रेकमेंडिंग एट ऑल. Thank you, Doctor. Hi, this is Calvin here. So, just wanted to ask, I was discharged on May 6th
And then you said that we have immunity for the next 3 months. So I understand that I can take the vaccine after August 6th. Is it possible to, if there's an opportunity earlier, or should I just have to mandatorily wait for 3 months? You know, now there is very clear data that once someone has been infected with COVID, the antibody response after that lasts at least for 3 months, maybe longer. So you can easily wait for another 3 months. Okay, so then that's a safe thing, because I was wondering with multiple strains, I was concerned that some strain... It's safe. Okay, great. Thank you. There is a question on if someone was infected with COVID and when they take the vaccine after 12 weeks, do they need to take any test? And you never need to take any test before doing the vaccine. So don't worry. You can straight away go and take the vaccine after 12 weeks. Sorry, just to add, so if I do have a runny nose like I had yesterday, I shouldn't be too concerned. You shouldn't be, because you just recovered. Got it. Thank you so much. अगर आपके कोई सवाल नहीं है तो आपको एक सेलिब्रिटी से मिलवाऊंगा. संडे मॉर्निंग में आपने बड़ी मेहनत करके आए हैं. कुनिका जी, थोड़ा पर्दे के बाहर आ जाइए, बात कीजिए हमारे लोगों से. कुनिका जी. यस डॉक्टर साहब. कप्टी, यू वांट टू ऐड? पर्दे के बाहर आइए, सब लोगों को दर्शन दीजिए संडे के सुबह. डॉक्टर साहब, मैं किचन में काम कर रही हूं. यू श्योर यू वांट टू शो द पीपल माय फेस इन द किचन? आई एम द किचन. चलिए, मैंने ऑन कर दिया वीडियो. आई कांट सी एनी ऑफ यू. हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग. लवली टू सी यू. हाउ आर यू? आने तक आप बात कीजिए लोगों से. हेलो, क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी, लोगों के कुछ सवाल आने तक आप कुछ बात कीजिए. आप भी कोविड से बाहर आ चुके हैं. हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि नहीं, वो सब तो आप लोग बताएंगे, लेकिन हाँ, आप लोग ने मेरा कोविड बहुत अच्छा मैनेज किया. मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया था, और तीन चार दिन तक जब फीवर आया तो डॉक्टर साहब ने कहा अभी वेट करते हैं. फिर जब टेस्ट चला गया, फिर डॉक्टर साहब ने कहा ये कंफर्म है कि आपको कोविड है. एंड देन थोड़ा बहुत वो एंटीबायोटिक्स और फ्लू की जैसे दवाइयां चल रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद खांसी शुरू हुई. और खांसी जब शुरू हुई तब मैं घबरा गई. फिर मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि हाँ, खांसी हो गई है. तो डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, यू आर फाइन, योर बॉडी विल गेट ओवर इट. बट आई वेंट एंड गॉट एन ओपिनियन फ्रॉम माय पल्मोनोलॉजिस्ट. आई गॉट अ सीटी स्कैन. वो सीटी स्कैन भी उन्होंने बोला, आई थिंक स्कोर वॉज 8. एंड तो डॉक्टर साहब ने कहा डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन मैंने जरूर फैबिफ्लू लिया. डॉक्टर साहब गुस्सा हो गए थे. लेकिन मुझे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, और मैंने एकदम आइसोलेशन में रही. सबको घर में मास्क पहनने को बोला, खुद भी मास्क पहन के अपने रूम में रहती थी. एंड इट टुक मी आई थिंक फ्रॉम सेकेंड ऑफ अप्रैल टू आई थिंक अबाउट द 24th of April. बाय दैट टाइम आई वाज क्लियर. एंड हाँ, लेकिन कमजोरी बहुत थी. जैसे मैंने 27-28 से कोर्ट जाना शुरू कर दिया था, और कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, सांस रुकता था. लेकिन मैं अब 1.5 घंटे का वर्कआउट करती हूँ प्रॉपर विद वेट, एंड एवरीथिंग इज फाइन, एंड माय इम्यूनिटी इज अबाउट 157. बट हाँ, ये बात जरूर है, डॉक्टर सिप्ती ने कहा कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड. तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड की वजह से हमारे जो बच्चे हैं, हमारा परिवार, वो बार बार बताया वैक्सीनेशन दो, आप 57 के हैं, आपको कुछ हो गया तो क्या होगा, इतना पीछे पड़े हैं. मैंने डॉक्टर साहब के मैसेज भी दिखाए कि भाई उन्होंने कहा कि यू कैन वेट, बट दे आर इंटरेस्टिंग दैट टेक द वैक्सीनेशन. सो ऑन द 11th आई विल टेक द फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड, बिकॉज आई एम लाइक अ फ्रंटलाइन वर्कर. आई कीप गोइंग टू द यू नो द एरियाज वेयर द स्लम्स, एंड आई गो टू कोर्ट. तो चलो, मैंने कहा उनकी तसल्ली के लिए मैं वैक्सीनेशन भी ले लेती हूँ. दूसरा, मैं एक बताना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं कि आपको कोविड है तो आप आइसोलेट हुई है, अगर आपके घर में चार लोगों को कोविड है तो चार अलग अलग कमरे में रहने का जरूरत नहीं है. जो चारों एक साथ रह सकते हैं, पूरा जलसा मना सकते हैं. लेकिन
जिन लोगों को कोविड नहीं है उनसे उनको बचाना है और उनको आपके संपर्क में नहीं आने देना है या आप दूसरों के संपर्क में नहीं जाना है। कई बार ऐसे गाइडलाइन क्लियर नहीं होते, वो आइसोलेट यूर्सेल्फ, तो पेशेंट हमको फोन करते कि हमारे घर में दो ही कमरे, हम चार लोग पॉजिटिव हैं, क्या करें? तो आप एक कमरे में चालू रहो, दूसरे कमरे में सर्कुलेट करने दो। थैंक यू फॉर दिस लवली वेबिनार। मुझे अचानक किसी ने लिंक भेजा, कुंवर साहब ने फ्रॉम बनारस, ही सेंड मी द लिंक, कि अरे बहुत बढ़िया वेबिनार चल रहा है, तो इसलिए मैं इमीडिएटली मैंने ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ बोलना है, सवाल छोड़ो, और कुछ बोलना है, और कोई अगले सब्जेक्ट पे हमें और एक कोई सब्जेक्ट पे करना है वेबिनार, बताइए। प्राप्ति, कुछ टेस्ट के बारे में बोलना है तेरे को? नहीं, आई थिंक मैं वही बोलना चाहूंगी, सिटी वैल्यू के बारे में बताना, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द सिटी वैल्यू। हाँ, तो हम जब RT-PCR कराते हैं, तो मैं जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, हम जब RT-PCR कराते हैं तो उसमें एक सिटी वैल्यू आता है। तो ये सिटी वैल्यू का एक्चुअली क्या मतलब होता है? ये जो सीटी वैल्यू है उसका साइकिल थ्रेशोल्ड फुल फॉर्म होता है, मतलब कितने पीसीआर साइकिल, जो पीसीआर में ना जो एक वायरस है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब एक वायरस से कहीं वायरस को बढ़ाया जाता है ताकि वो वायरस टेस्ट में पकड़ा जा सके। तो कितने साइकिल्स के बाद ये वायरस पकड़ा जाता है उससे हमारा सीटी वैल्यू डिटर्मिन होता है। पर ये सीटी वैल्यू का बीमारी से जो रिलेशनशिप है वो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जिसका सीटी वैल्यू कम होगा वो ज्यादा बीमार है, या जिसका सीटी वैल्यू ज्यादा है उसको वो कम इन्फेक्शियस है या कम बीमार है, क्योंकि ये सीटी वैल्यू कई और कारण पे यू नो डिपेंडेंट है, जैसे कि ये सैंपल मुंह से लिया है या नाक से लिया है, किस टेक्नीशियन ने सैंपल लिया है, हर टेक्नीशियन का टेक्निक ऑफ सैंपल कलेक्शन अलग होता है, कौन से मशीन पे ये टेस्ट किया गया है, सैंपल लेने के बाद उसको लैब पहुंचने में कितना वक्त लगा है, ऐसे हर छोटे छोटे चीज का ये सीटी वैल्यू पे असर होता है। तो प्लीज सिर्फ आपके RT-PCR का सीटी वैल्यू आप सिर्फ उसी लिए देखिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पर इस बेसिस पे आपको या सीटी स्कैन कराना या हॉस्पिटल में एडमिट होना या कोई एंटीबायोटिक शुरू करने की जरूरत नहीं है। तो वो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी। आई थिंक एक और क्वेश्चन आया, विच इज द बेस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन? Dr. Tripti, if you want to take that question. होता है सीरम वायरस, रेगुलर होता है, पर उसको ऑल सब वैक्सींस का सीवियर इन्फेक्शन से जो प्रोटेक्शन है वो काफी अच्छा है। तो आप आपका आपके यहाँ जो वैक्सीन अवेलेबल है वो ले लीजिए, ऑल वैक्सींस आर वर्किंग वेल। एक क्वेश्चन मास्क पे आया है। अगर आप ऑनलाइन जाकर देखोगे डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा तीन अलग अलग डिफरेंट लेयर्स हैं। बाकी हम कोई ब्रांड या कुछ को हम नहीं एंडोर्स कर रहे, तो इट्स बहुत सारे कंपनीज के बहुत अच्छे अच्छे मास्क अवेलेबल है, एंड एज लॉन्ग एज दे आर गुड 3-ply गुड फिटिंग मास्क इट शुड बी ओके। लेकिन मास्क की जगह आपका दुपट्टा, गमछा, रुमाल, धोती ये नहीं ले सकता, ये ध्यान रखिए। आपके पास कुछ नहीं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो मास्क की जगह नहीं लेते। अगर आपके कोई सवाल नहीं है तो अभी खाली सुझाव दीजिए, अगले मीटिंग कौन से टॉपिक पे होना चाहिए, आपको कौन से चीजों में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि कुछ रेगुलर अंतर पे करते रहे। डॉक्टर साहब, अगला मीटिंग आप बच्चों की सेफ्टी और उनका जो इन्फेक्शन और क्या चांसेस है, क्या करना है, वो जरूर उस पर बात कीजिएगा, और उनके वैक्सीनेशन का क्या इफेक्ट है उनके ऊपर। And mental health and stress,
पोस्ट कोविड मेंटल हेल्थ में आपका एक टॉपिक है मेरा हाँ मेंटल हेल्थ में स्ट्रेस मैनेजमेंट में I can speak about it, but the thing is, I will not be the ideal candidate to discuss it only me because I'm from a slightly privileged background, but there are people who have lost jobs, who are living in small places, houses are small, and they are worried. They have elderly parents. Some of them have to go regularly to work and come back home every day. So the stress that those people go into, that is what I and how to deal with that. There's one question on how regular one should change the mask. So if your mask is moist or wet, you definitely need to change the mask, especially for surgical mask. And if not, in any case, you need to change your mask every 6 hours. Nilkanta Kai Prashna, you are the first to come. Prashant bol raha hu main Indore se. Boliye. Ha bolo bolo. Doctor, main service related kuch wo puch raha hu aapse ki is there any guideline from government side ki COVID period mein जॉब में है उनको कोई रिलैक्सेशन मिलेगा क्या क्योंकि ऑफिस की तरफ से बहुत इंसिस्ट किया जाता है कि नहीं आप आके ज्वाइन करो और दिन भर ऑफिस में बैठो व्हाट कैन आई डू इन दिस सिचुएशन और अगर नहीं जाता हूं तो सैलरी वगैरह काफी मतलब प्रताड़ित किया जाता है तो इज देयर एनी सपोर्ट सिस्टम सवाल है बेसिकली एक याद रखना कि जो लोग सर्विस में है उनका सैलरी यहाँ से आता है वो टैक्स पेयर के पैसे से आता है और कई जगह ऐसे गाइडलाइन बनाए गए कि जब तक कोविड बहुत ज्यादा फैला है तो सिर्फ 50% लोग या 20% लोग ऑफिस में जाएंगे बाकी लोग घर से काम करेंगे लेकिन जब कोविड कम हो जाता है 50% होता है दूसरी बात तीसरी बात यह है कि आप मास्क लगा के ऑफिस में बैठो आपके कमरे खुली रखो जितना किसी का इस्तेमाल करो फैन का इस्तेमाल ज्यादा करो अच्छा है काम करना पड़ेगा काम से कर नहीं पा सकते अगर आप जितना ज्यादा बंद रखेंगे और मास्क लगा के रखेंगे तो दूसरे को रिस्क नहीं है और आपको खुद को भी रिस्क नहीं है जो लोग बम्बई में काम करते हैं बम्बई में लोकल में जाते हैं आते हैं उससे ज्यादा रिस्क तो किसी को हो ही नहीं सकता लोकल में कह रहे हैं कि एक तो आप डबल मास्क लगाओ या मास्क के ऊपर हेडशील्ड लगाओ मास्क और हेडशील्ड लगाते हैं तो उसके दो फायदे एक तो प्रोटेक्शन है दूसरा आपका हाथ जो घड़ी घड़ी मास्क में जाता है सीधा करने में टेढ़ा करने में वो नहीं जाए बोलो कानन बॉडी जब घूम जाते होते हैं और बाजू लोग बड़े ऐसा कहते हैं सर सर अंदर नहीं ना बॉडी तो घूम जाता ना बोलो शुभ म्यूट करा लागेल ना पहिले म्यूट करा लागेल ना म्यूट है तुम्ही म्यूट है अनम्यूट है बोला बोला ये ज्ञानदेव जो है इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया पिछले कई सालों से वो हर्ष चलाते हैं हर्ष यानी डेड बॉडी की गाड़ी पुलिस की गाड़ी वो भी यस सर अननोन डेड बॉडी होती है रस्ते में कहीं पड़ी हुई उठाना उसका अंतसंस्कार करना जो जो जात का है वो देख के तो इनका टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बहुत बड़ा आर्टिकल इनके फोटो के साथ आया था और हमारे पास भी एक बहुत अच्छा yes. है कि जब भी कोई जाता है एचआईवी का उनके गांव से उनको खुद को घर पे रखते हैं घर पे रखने के बाद में खुद एक सीएल लेते हैं छुट्टी लेते हैं और उसको साथ में खुद लेके आते हैं रास्ते में काउंसलिंग करते हैं नाश्ता खाना के साथ में काउंसलिंग करते हैं जाते समय काउंसलिंग करते हैं एक दिन फिर घर में रखते हैं और फिर भेज देते हैं तो बोला गौरे बारे बोला हाँ सर अननोन बॉडी जो अनक्लेम बॉडी डिस्पोज करता हूँ मैं उसके बाद जो अच्छा हिंदी जो अननोन बॉडी रहते हैं ना अपना वो
उसका अंतिम संस्कार मैं करता हूँ सर, उसके बाजू में वो पॉजिटिव बॉडी रहता है, उसको संस्कार हो सकता है कि उसमें? हॉस्पिटल जो मोर्चे में जो बॉडी रहता है, हाँ बॉडी बॉडी इसमें हो सकता है क्या? बॉडी से कोविड नहीं होता है। ओके थैंक यू, वो बॉडी मैं डिस्पोज करता हूँ ना, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। ओके थैंक यू मैडम, क्योंकि कोई बॉडी बात नहीं करती है, कोई सिंगिंग नहीं करती नहीं, है, खांसी की बात ना, वो खांसी नहीं लेती है नहीं, सर पॉजिटिव बॉडी भी करता सर, मैं पॉजिटिव बॉडी भी किया ना बहुत, नहीं उससे कोई रिस्क नहीं है। ओके ठीक है, ठीक है ठीक है, थैंक यू मैडम। अर्चना कुठे आहे? अर्चना अर्चना ठीक है, आपके कोई सवाल नहीं है तो हम लोग ये मीटिंग यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी ने वक्त निकाला, खास करके संडे के दिन सुबह बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा, और हम लोग आपके सुझाव के मुताबिक करेंगे बच्चों के बारे में, उसमें बच्चों को ज्यादा हो सकता है क्या, बच्चों को कैसा बचाव करना है, बच्चों के लिए वैक्सीन आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच डॉक्टर सर, थैंक यू नमस्ते भाभी, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर, वेरी हेल्पफुल। शुभम मेरा बाहर बोला सरांनी माझे मत सांगितलं त्यांना, वारे जी हनुन बॉडी डिस्ट्रू करतात, टाइम्स मध्ये नाव वगैरे आले त्यांचं, सगळे लोक ऐकत होते। थँक्यू सर तुम्ही सांगितल्याबद्दल, माझी माहिती बरं वाटलं। जरा बंद करा कॅमेरा, बंद करा। मी मुंबई पोलीस आहे, पण मी हे कोविडच काम करतो सर। धन्यवाद धन्यवाद शिवम बोला।